मथुरा में समस्याओं को लेकर पहुंची वार्ड नंबर 11 ग्राम पटपरन की जनता। आपको बता दें कि नगर निगम में किया प्रदर्शन, काफी लंबे समय से चलती हुई आ रही थी समस्या के चलते मथुरा वृंदावन नगर निगम में महापौर विनोद अग्रवाल व नगर आयुक्त अनुने झा को दिया ज्ञापन। हमारे दबाव वहां मौजूद जनता से जानकारी ली गई तो बताया गया कि हम लोग पहले रेलवे लाइन के बगल से होकर नगला मेवाती रेलवे क्रॉसिंग से होकर आना जाना था, लेकिन पैदल लोग रेलवे क्रॉसिंग क्रॉस करके खसरा नंबर 95 से होकर मथुरा भरतपुर मार्ग पे आते जाते रहते थे। अब वहां रेलवे विभाग द्वारा अपनी जमीन पर बैरिकेडिंग कर दी गई, गांव के लोगों का आना जाना बिल्कुल बंद हो गया। साथ ही गांव में एक प्राथमिक विद्यालय भी है, इस ग्राम के लिए कोई अतिरिक्त रास्ता नहीं है, जिससे आए दिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हमारा अंडरग्राउंड रहकर रेलवे की एक वर्तमान मार्ग से अंडरग्राउंड सीधे का गांव में लिए जाए, रेलवे ने हमारी हद में उसमें का वो लगा दी गई है, चाहे गली किस लगा दी गई है, गाँव उधर साइड में पड़ा हुआ है, उधर साइड में पड़ा हुआ है। हमने कहा डीएम साहब को भी अवगत करा चुके हैं, साहब सांसद जी को भी करा सके, राज्य जी को भी करा सके, मुख्यमंत्री जी को भी दे चुके हैं, पर अभी तक हमारी समस्या कोई समाधान नहीं हुआ, नहीं कोई अधिकारी पहुँचा है, नहीं कुछ भी हो रहा है। हम जिस वक्त हमने कह दिया था कि हमारी कोई सुनवाई नहीं करेगा, तो हम है कहा मानने मानने पर हम सब तरह से तैयार हैं, हमारी जो समस्या है हमारी पूरी सुनी जाए, हमारी तत्कालीन किया जाए। मेरा नाम मीना ठाकुर है। आज आप नगर निगम में आई, किस समस्या को लेकर आई? मैं नगर निगम में आई हूँ एक अपने रास्ते, स्कूल, पानी, बिजली, खम्मा, हर चीज की व्यवस्था को लेकर। किस वार्ड की परेशानी? ये वार्ड की 11 नंबर। वार्ड में कोई सुनवाई नहीं किया? नहीं साहब, कोई सुनवाई नहीं हुई है आज तक। कोई 150 साल पुराना गांव है, 150 साल पुराना गांव है, हमारे पूर्वजों के तहत रह रहे हैं लोग, और आज तक हमारा विधायक गया, विधायक ने आज तक कुछ भी नहीं किया, प्रधान ने कुछ नहीं किया, पार्षद वहां हो रहे कोई कुछ नहीं है, सिर्फ वोटों के लिए जाते हैं कि भाई वोटो मांग लो, बाकी बाद में कोई उस गाँव के दर्शन करें, मतलब वो मेरा कहने का पिछड़े वर्ग में। क्या समस्या है आपकी? समस्या देखो, सबसे पहली समस्या, सबसे पहली समस्या हमारे रास्ते की है। हमारे बड़े भाई ने बहुत एप्लीकेशन लगाई, अभी तक कुछ नहीं हुआ। बिजली है, लाइट की है, कोई भी कहीं भी नगर निगम से कोई भी लाइट तक नहीं लगी अभी भी। सफाई वाला कोई नहीं? रात में कोई महिला या पुरुष को लैट्रिन बाथरूम के लिए जाए या कोई वाला खंभा वाला कुछ नहीं है। सफाई वाले भी पूछ रहे हैं। स्कूल की समस्या में रोड है, अभी एक महिला के घर चालू है, गर्भवती महिला थी, 20 सड़क पर लेन पे होकर निकल करके आधे किलोमीटर पैदल चली, लेन पड़ती है, लेन पर उसने बच्ची को जन्म